व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूरतास्टिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सिंगापुर में मौजूद हूं और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। जो चीज़ें हम कल नहीं कर पाए, कल भी सिंगापुर के बेस्ट प्लेसेस की थी, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें आज करने वाली रह गई थी, वो हम आज कर रहे हैं। तो आप लोग ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी जो ये एक अरेबिक स्ट्रीट है, यहाँ पर आपको अरेबिक रेस्टोरेंट मिलेंगे। और हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया, अभी हम नाश्ता कर रहे हैं जाके, और उसके बाद इस व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। और आपको नाश्ते के बाद बहुत प्यारी एक चीज़ है जो दिखाएंगे, जो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो वो आप देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। Philipp, wie gefällt dir hier Essen, türkisch Essen? Sehr teures Essen. Aber fast, hat es geschmeckt? Ja, fast 15 Euro für einen Döner, Alter, ist schon ein stabiler Preis. Aber war mal eine schöne Erinnerung an Deutschland zurück. खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का खाना था, लेकिन प्राइस जो थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे तुर्किश रेस्टोरेंट बहुत कम है, शायद इसलिए, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। अगर आप लोग इधर आएँ तो लाजमी ये खाना ट्राई कीजिएगा। सो गाइज़, आज के व्लॉग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बैग की आ रही थी, लेकिन ये भाई साहब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द केयर ऑफ माई बैग, सो आई विल टेक इट लेटर। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू गाइज आर हियर, यू शुड कम हियर इन दिस रेस्टोरेंट। इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, वेरी टेस्टी फूड, यू शुड कम हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, सी यू लेटर। सो दोस्तों, नाश्ता और खाना खाने के बाद हम लोग, नाश्ता और खाना हमारा सेम टाइम पे आ गया था, हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ आ गए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मस्जिद सुल्तान है, और ये सिंगापुर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ये मस्जिद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के फेस्टिवल्स, रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। और ये जो सारी स्ट्रीट है, ये एक फूड स्ट्रीट है, और यहाँ पर आप बहुत से अरेबिक खाने खा सकते हैं। कोरोना की वजह से इन लोगों ने अभी भी ये मस्जिद बंद की हुई है, हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए टूरिस्ट अलाउड नहीं है, लेकिन नमाज़ पढ़ने आप लोग अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, मस्जिद सुल्तान से होते हुए बहुत प्यारी मस्जिद है, उधर लाजमी आप जाइएगा। हम लोग लिटिल इंडिया पहुंच गए हैं, तो तकरीबन 15 मिनट की वॉक है, और गर्मी में वॉक करना बहुत डिफ़िकल्ट है इधर सिंगापुर में। यहाँ पे आपको पेनिंग में भी मैंने लिटिल इंडिया का व्लॉग बनाया है, मलेशिया में, लेकिन ये डिफरेंट वाला लिटिल इंडिया लगता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको हर जगह सिर्फ गोल्ड की शॉप्स मिलेंगी, और यहाँ पर बहुत फेमस एक मुस्तफ़ा सेंटर है, जहाँ पर शॉपिंग मॉल है, तो हम उधर चलते हैं, वो भी एक्सप्लोर करते हैं, और इधर की जौन सी आपको शॉप्स वगैरह, लोकल शॉप्स, वो भी दिखाते हैं। आप लिटिल इंडिया में आएँ तो लिटिल इंडिया में एक मुस्तफ़ा सेंटर है जो सब बहुत फेमस है सिंगापुर में। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आने से पहले सिक्योरिटी एक ये है कि वो आपके बैग को क्लोज़ कर देंगे, मतलब उसमें केबल टाई लगा देंगे ताकि आप बैग के अंदर कोई सामान चोरी ना कर सकें। तो एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ें और हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी। प्राइस आप लोगों को दिखाते हैं, आई डोंट नो कैसी होगी। दोस्तों, मुस्तफ़ा सेंटर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के साथ साथ ग्लासेस, वॉचेस और हर किस्म के ब्रांड मिलेंगे। कपड़ों का जौन सा हाल वहाँ पे हो रहा था, आज तक मैंने नहीं ऐसे ब्रांडेड कपड़े बिखरे हुए देखे। हर किस्म का ब्रांड वहाँ पे मौजूद था। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में की जौन सी प्राइस थी वो तकरीबन सेम ही थी जो आपको बाहर से यूरोप से मिलती है, लेकिन कपड़ों में अगर आप ब्रांड खरीदते हैं तो आपको चीप प्राइस में भी मिल सकते थे कपड़े। अगर आप लोग इधर आएँ तो आप लाजमी विजिट कीजिएगा। Excuse me? Tourist? Yes, I'm tourist. YouTuber. You are from? I'm from Germany. Germany. Okay, thank you. You're welcome. तो दोस्तों, लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने अपना बैग लिया और दोबारा एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और एयरपोर्ट में अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है और एक एक्टिविटी जो करने वाली है और आप लोगों को भी दिखाने वाली है वो बहुत फेमस है सिंगापुर की, वो है जवेल। तो ये एक वाटरफॉल है जो एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों डिपार्चर के साइन बोर्ड देखने के बाद दिल तो नहीं कर रहा आगे बढ़ने का, सिंगापुर छोड़ के जाने का, लेकिन कहते हैं कि आप एक अच्छी चीज़ छोड़ के जाएँ तो उसके बदले आपको दूसरी अच्छी चीज़ मिलती है। कल से तो जॉब दोबारा स्टार्ट हो रही है, लेकिन ट्रैवलिंग जो है वो जारी रहेगी। तो कोशिश करेंगे कोई ऐसा मुल्क ढूंढ पाएँ जो सिंगापुर से भी अच्छा हो। बहुत मज़ा आया इधर, बहुत सी चीज़ें देखने का और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को चांस मिले आप लोग लाजमी इधर आएँ और चीज़ें एक्सप्लोर करें, आप लोगों को मज़ा आएगा। होपफुली जो कुछ मैं आपको दिखा सका आप लोगों को पसंद आया, तो इंशाअल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।